अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं महक रुबाब कादरी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो जिन्ना, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं FW ऑर्गेनिक्स की न्यूली लॉन्च फेशियल किट का रिव्यू। सो आज जो है हम इसी का रिव्यू करने वाले हैं। इससे पहले मैं FW ऑर्गेनिक्स के सीरम और उनके जो है उपटन वगैरह का रिव्यू कर चुकी हूं, लेकिन आज हम जो है इनकी फेशियल किट को ट्राई करने वाले हैं। तो आज मेरी वीडियो में जो आपको यही देखने को मिलने वाला है, तो जो नए लोग मुझे देख रहे हो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर लेना और नीचे कॉमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा कि आपकी वीडियो कैसी लगी। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। इसकी पैकेजिंग के हवाले से थोड़ी सी बात कर लेती हूँ। तो आपको जो है इस तरह से डब्बे में कुछ ये फेशियल किट मिलेगी। 5 स्टेप पर जो है ये फेशियल किट मुश्तमिल है और इसकी पैकेजिंग जो है बिल्कुल बेसिक पैकेजिंग है। प्लास्टिक के कंटेनर्स में जो है 50 ग्राम का जो है ये प्रोडक्ट मिलता है। हर कंटेनर में 50 ग्राम प्रोडक्ट्स है और साथ में जो है आपको तरीका भी इसमें मिलेगा। सो यस, चलिए फेशियल शुरू करते हैं, साथ ही साथ जो है फेशियल करते करते इसका रिव्यू भी कर देंगे। सो या ओके, तो जो हमारा पहला स्टेप है वो है क्लिनजिंग मिल्क का। और क्लिनजिंग मिल्क हमें करनी है हमारे फेस पर। ये क्लिनजिंग मिल्क जो है आपके फेस से डर्ट को रिमूव करती है। तो अगर आपका मेकअप भी हुआ हुआ हो तो आप जो है इससे क्लिनजिंग करेंगे तो आपका मेकअप भी रिमूव हो जाएगा। तो 4 से 5 मिनट तक जो है आपको मसाज करना है, गीले हाथ से जो है फेस पर अप्लाई करके बाद मसाज करना है। खुशबू इसकी सूथिंग है और क्वान्टिटी के हवाले से मैं बात करूँ तो क्वान्टिटी जो है इसकी थोड़ी सी लेस लग रही है मुझे, क्योंकि पूरे जार में जो है ये कंप्लीट पूरे जार नहीं भरा हुआ है, पूरे जार में भी जो है ये थोड़ा आधा ये कंटेनर भरा हुआ है। तो क्वांटिटी जो है मुझे काफ़ी कम लग रही है इसकी। अदरवाइज जो है इसको मसाज कर रहेंगे, मसाज मैं कर रही हूँ। रिजल्ट इसके फाइन है, इतने ज़्यादा कुछ वाओ किस्म का इफेक्ट मुझे नहीं लग रहा है। बट हाँ, मेरी स्किन बहुत अच्छे तरीके से क्लीन हुई है, विच इज़ आई रियली लाइक। और कोई फेक वाइटनिंग इफेक्ट मेरे फेस पर नहीं आ रहा है जैसे चीपर प्रोडक्ट अप्लाई करने पर आता है। सो दिस क्लिनजिंग मिल्क इज़ क्वाइट गुड अगर आप रेगुलर बेसिस के लिए इसको यूज़ करें अपने फेस को हाइड्रेट करने के लिए। सो या ओके, जो इसका सेकेंड स्टेप है वो है एप्रिकॉट स्क्रब का। और इसका स्क्रब जो है इसकी खुशबू अच्छी है, एप्रिकॉट स्क्रब है। और इसके दाने जो हैं थोड़े से, मतलब थोड़े से मोटे दाने हैं जो कि आपकी डेड स्किन को रिमूव करने के लिए बड़े अच्छे रहेंगे। आपने जो है एप्रिकॉट स्क्रब को 3 से 4 मिनट तक मसाज करना है, जेंटली, हार्श जो है हाथों से मसाज नहीं करना है, वरना जो है आपकी स्किन पर रैशेज हो जाएंगे। इसके जो है दाने बहुत मोटे से हैं, तो अगर आपने बहुत ज़्यादा यू नो जारिया से मसाज किया तो आपको जो है एक्ने भी प्रॉब्लम हो सकता है, आपके फेस पर जो है रैशेस हो सकते हैं। अदरवाइज ये एप्रिकॉट जो स्क्रब है वो अच्छा है डेड स्किन को रिमूव करने के लिए और आपकी स्किन को एक्सफोलिएट करने के लिए। सो इसको भी जो है मैं 3 मिनट तक मसाज कर रही हूँ, 3 से 4 मिनट तक करूंगी। पहले फेस पर अप्लाई करूंगी एंड देन उसके बाद जो है मसाज करूंगी ताकि जो है अच्छा रिजल्ट मुझे मिल सके। और इसकी भी जो है अगर आप जार देखो तो क्वान्टिटी इज टू लेस, जार में बहुत कम क्वान्टिटी भरी गई है। ओके गाइस, जो नंबर 3 हमारा स्टेप है वो है मसाज क्रीम का। मसाज क्रीम मुझे इनकी काफी अच्छी लगी है। 5 से 10 मिनट तक आपने जो है अच्छे से मसाज करना है, ठीक है, और बहुत ज्यादा जो है आपके नेक आपके फेस को अच्छे से मसाज करना है। और ये क्रीम भी अच्छी है, इनके जो है क्लिनजिंग मिल्क एप्रिकॉट स्क्रब और मैं मसाज क्रीम यूज़ कर रही हूँ। क्रीम इज क्वाइट नाइस क्वालिटी, बेसिक क्वालिटी है इसकी। मैं बहुत ज़्यादा यू नो एक्सट्रीम क्वालिटी के हवाले से मैं नहीं बोलूँगी क्योंकि बहुत हाईफाई किस्म की क्वालिटी है, बहुत बेसिक इनकी जो है क्वालिटी है। और इस तरह की अब तक जो मैंने ये 3 क्रीम यूज़ की है तो उसमें यही लग रहा है कि ऐसे फेशियल्स आपको रेंडमली मार्केट में जो है लोकल मार्केट में जो है मिल जाते हैं, शायद थोड़े से कम दामों में, बट इसके जो प्राइस है और इसके अकॉर्डिंग जो ये आपको प्रोडक्ट हर जार में जो भी खोल रही हूँ उसमें जो है फुल जार नहीं भरा हुआ है, आपका जो है ये 50 ग्राम्स आपको ये दे रहे हैं लेकिन 50 ग्राम्स के जार में आपकी क्वांटिटी बहुत लेस है। अदरवाइज मसाज क्रीम अच्छी है, फेस बहुत ज़्यादा क्लीन हो गया है, बहुत अच्छे से मसाज हुई है। बट या अगेन थोड़ा सा यू नो एक्सट्रीम वाव इफेक्ट नहीं आया है फेस पर। ओके, 4th स्टेप हमारा है मास्क का। मास्क मैंने अप्लाई किया और मास्क की क्वांटिटी आप देख लो, लाइक सीरियसली FW ऑर्गेनिक्स आपके सीरम्स बहुत बेहतरीन रहे हैं, आपकी दूसरी आपके जो उपटन्स वगैरह भी है वो बड़ी बेहतरीन रही हैं, लेकिन आपकी पता नहीं फेशियल किट मुझे बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट कर रही है। एनीवेज मास्क इनका अच्छा लगा है मुझे, मास्क इनका बहुत ज़बरदस्त है। अब तक अगर मैं बात करूँ तो इनकी जो है क्लिनजिंग मिल्क और इनका मास्क मुझे बहुत अच्छा लगा है। इसको जो है आपने 10 मिनट तक अप्लाई करना है और फिर ठंडे पानी से जो है आपका मास्क आपने रिमूव कर लेना है। मसाज करके भी रिमूव कर सकती हूँ और वैसे भी आप रिमूव कर सकती हैं। सो या अब तक सो फार मुझे इनका क्लिनजिंग मिल्क और मास्क अच्छा लग रहा है पूरी किट में से। नाउ हमारा लास्ट स्टेप है सूथिंग जेल का, जो कि ये
इसके साथ दिया हुआ है। ये फेशियल किट जो है थोड़े डिफरेंट सेटअप के साथ दी हुई है। पहले आप क्लिनजिंग मिल्क यूज़ करते हो, फिर स्क्रब एंड देन मसाज, फिर मास्क एंड देन आपको जो है सूदिंग जेल दिया हुआ है, एलोवेरा जेल बेसिकली। सो अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आपके लिए एलोवेरा जेल बड़ा ही सूदिंग और अच्छा रहेगा। अगर आपकी नॉर्मल और ऑयली स्किन है तो भी बहुत बेहतरीन रहेगा। ऑल ओवर ये फेशियल किट जो है मुझे ठीक लगी है, बहुत बेसिक फेशियल किट है। जैसे दूसरी फेशियल किट से इससे पहले मैं जो है HT ग्लो वाली डर्माडर्म में मेरे ख्याल से नाम था उसका, उसके और रिव्यू कर चुकी थी, तो मुझे यू नो जितनी भी मैंने फेशियल किट रिव्यू किए हैं उनमें से सबसे बेहतरीन रिजल्ट मुझे उसका लगा था। बट इसका मैं कहूँ तो बहुत बेसिक रिजल्ट है, जैसे लोकल मार्केट में आपको फेशियल किट्स मिलती हैं उसी तरह का इसका रिजल्ट है। सो या आज की वीडियो में यही था, ये मुझे आपके साथ शेयर करना था। वीडियो अच्छी लगी हो तो मेक श्योर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर लीजिएगा और नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। बाय बाय।